हेलो गाइस, मैं विभा, आपका अपने फ्लेवर फिश 24x7 चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बेसन वाले छोले बना करके दिखाएंगे। बहुत ही कम मसाले और बहुत ही कम तेल से जो तैयार होंगे। साथ ही में आपको हम पुलाव बनाने का भी नया तरीका दिखाएंगे और ये बहुत ही इजीली तैयार होने वाला है, बहुत ही कम मसालों से तैयार होंगे। तो इनमें क्या क्या पड़ेगा और कैसे बनेगा आपको दिखाते हैं और किचन में चलते हैं, देखते हैं कैसे बनेंगे। ये हमने छोला भिगोया है, ओवरनाइट भिगोया है और इसमें हमने क्या किया था, रात में थोड़ा सा सोडा डाल दिया था, खाने वाला सोडा जो होता है, चौथाई चम्मच डाल दिया था। अब हम इनको उबाल देंगे अच्छे पानी में डाल करके, इस पानी को निकाल देंगे और उबाल करके फिर हम आपसे मिलते हैं। आज छोला हम आपको ऐसा बनाना दिखाएंगे कि बहुत ही सरल तरीके से बनेगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। ये हमने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए है, ये 8 से 10 कलियां लहसुन ली है, ये प्याज लिया है। इन सबको हम अच्छे से पीस लेंगे एक ही साथ में। इसे मिक्सी का जार ले लेंगे, प्याज डाल देंगे, टमाटर डाल देंगे और ये लहसुन की कलियां डाल देंगे। अब इसको पीस लेंगे स्मूथ। ये प्यूरी भी हमने पीस ली है। अब बनाना शुरू करते हैं। जो भी मसाले पड़ेंगे वो हम आपको दिखाते जाएंगे। ऐसे कोई हम कढ़ाई ले लेंगे और इसको हम तेल, इसमें अब हम तेल डालेंगे। हमने मस्टर्ड डाल लिया है, ये हमने 3 टेबल स्पून सरसों का तेल लिया है। देखिए अच्छे से ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें हमने 2 तेजपत्ता, 2 लौंग और 1 बड़ी इलायची का छिलका डाला है। अब हम इसमें ये प्यूरी डाल देंगे। अब इसी में कुछ हम मसाले डालेंगे। ये हमने 1/2 टीस्पून हल्दी डाली है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून तीखी वाली मिर्च। ये मिर्च आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको कैसा खाना है। इसको मिक्स कर दीजिए अच्छे से। ये हमने और कुछ मसाले लिए हैं। ये छोला मसाला है 1.5 चम्मच, ये किचन किंग मसाला है, ये 1 चम्मच हमारी देगी मिर्च है कलर देने वाली। अब इन मसालों को भी इसमें डाल देंगे। अब इसको हम मसाले को इतना भूनेंगे, कि इसका ऑयल जो है सेपरेट होने लगेगा। जब मसाला हमारा तेल छोड़ने लगेगा तब तक हम इसको भूनेंगे। अब देख सकते हैं, ये देखिए तेल रिलीज हो गया है, मसाले ने तेल को छोड़ दिया है। थोड़ा सा इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक आप उसी भी समय डाल सकते थे जिस समय मसाला डाला था, इस समय भी डाल सकते हैं। या पूरी सब्जी जब आपकी रेडी हो जाए, आपको लगता है कि कितना पानी कितना मटेरियल तैयार होगा तब आप डालना चाहते हैं तब डाल दें। और ये हम थोड़ी सी शक्कर डालेंगे, हमको खट्टा मीठा तीखा, तो हमने थोड़ा सा शक्कर डाला है। ये आपके टेस्ट के ऊपर है कि आपको कैसा डालना है। 2 चम्मच हम बेसन डाल देंगे। अब इसको हम बेसन को इसी में अच्छे से भून देंगे। इसमें काफ़ी गाढ़ापन आ जाएगा इसकी वजह से, बेसन की वजह से। थोड़ी सी मलाई डाल देंगे, काफी रिचनेस आ जाती है मलाई डालने से, बहुत अच्छा टेस्ट हो जाएगा। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करने के बाद में छोला डालेंगे। अब छोले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फटाफट कर लीजिए, और यदि कर रखा है आपने तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी हमें फॉलो कीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक दे दिया है। मेरे चैनल की लिंक को अपने ग्रुप्स और फैमिली मेंबर्स में डाल दीजिए, जिससे कि और भी लोग देखें और हमारा सपोर्ट मिल बढ़ सके आपके द्वारा। अब देखिए इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी आपको कितना डालना है यह आपके ऊपर है, कहीं कहीं बहुत गाढ़ा पसंद करते हैं, कहीं थोड़ा सा पतला, तो जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप इसको गाढ़ा पतला कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी ढंग से तैयार हुआ है। कोई भी ऐसे मसाले नहीं पड़े हैं जो बहुत ज़्यादा एसिडिटी को बढ़ाएं। अब इसमें हमने इसीलिए बेसन को थोड़ा सा ऐड कर दिया है, जिससे कि ग्रेवी है वो थोड़ा सा गाढ़ापन ले ले। अब ये खोलेगा तो थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। देखिए छोला बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे ऊपर से, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाएगा। करीब हमने 2 चम्मच घी डाला है और 1/4 चम्मच हमने गरम मसाला डाला है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे
तो ये हमारा छोला बनकर रेडी हो गया है। बहुत हमने ऑयल भी नहीं यूज किया है, बिल्कुल घरेलू तरीके से बनाया है। ऐसे आप बनाइए, सबको फैमिली में पसंद आएगा। हम फटाफट एक थोड़ा सा पुलाव बना लेंगे। ये हमने थोड़ा सा पुलावी चावल लिया है जिसको हमने 10 मिनट धो करके रख दिया था। थोड़ा सा काजू लिया है, थोड़ी सी मटर ली है, ये ऑप्शनल है, आपका मन हो तो आप ले, वरना कोई बात नहीं। अब कुकर में हम कोई भी कुकिंग ऑयल डालेंगे, आप देसी घी भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप डाल दीजिए। अब हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे। ये छोटे छोटे तेज पत्ता है 2 से 3, ये दालचीनी का टुकड़ा है, 2 लौंग है, और ये थोड़ा सा जावित्री का पीस है। अब हम इसमें इसको ऐसे हिला देंगे, इस काजू को डाल करके थोड़ा सा इस तरीके से हल्का कभी बोला आपको करना है। हमारी जो पानी था इसीलिए तड़तड़ा रहा है। अब हम इसमें ये चावल डाल देंगे, तो मिक्स कर दीजिए, जिससे कि इसमें जो ऑयल है वो सब जगह अच्छे से लग जाए चावलों में। पानी डालने के बाद लग तो जाएगा, लेकिन जब हम फ्राई करते हैं तो उस वो चावल जो इसके साथ में फ्राई हो जाता है इसके साथ में, तो इसका सोंधापन बढ़ जाता है। इसीलिए थोड़ा सा चावल को आप फ्राई जरूर कर दें, तुरंत पानी ना डालें। ये मटर डाल देंगे, कुछ बूंदे हम नींबू के जूस की डाल देंगे, जिससे कि चावल काफी टेस्टी और खिला खिला बनेगा। अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से डालें। यदि आपका 2 कटोरी चावल है तो आप 2 कटोरी पानी डाल दीजिए, 1 कटोरी है तो आप 1 कटोरी डालिए। जिस हिसाब से आपका चावल हो उसी के हिसाब से आप पानी डालिएगा। इसमें ज्यादा पानी नहीं लगता है, इसको हमने डायरेक्ट बताया है आपको बनाने के लिए। और अगर आप बॉइल्ड करके बनाते हैं तो वो भी तरीका दूसरा है। हमने अपने चावल बना के दिखाए हैं, स्टैंडर्ड पर चावल बनाए हैं, आप हमारी वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, आपको बहुत अच्छे से चावल बना के दिखाए जो बिना स्टार्च के बनेंगे, वो काफी हेल्दी चावल बनता है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर के। अब हम इसमें कुकर को बंद कर देंगे, 1 सीटी लगा देंगे। आपको छोला चावल और रोटी हम सर्व करके दिखाएंगे, आप देखिएगा कितना टेस्टी बना हुआ है, और बहुत ऊपर से ऑयल भी नहीं दिख रहा है कि ऐसा लगे बहुत सा तेल छहर रहा है ऊपर से, वो ठीक नहीं है। घर में बनाने के लिए आपको ऐसा ठीक है, अगर आप पार्टी वगैरह करते हैं तो उसमें तो आप जो अच्छे से बनाएंगे देखने में अच्छा लगेगा वैसे ही बनाइएगा। और ये भी बहुत ही जितना देखने में अच्छा लग रहा है उससे कहीं ज्यादा ये टेस्टी है। हमने जो बेसन का यूज किया है ये काफी अच्छे तरीके से लग जाता है और ग्रेवी भी गाढ़ी हो जाती है। इसमें आपको चावल दिखाएंगे, कितना सुंदर पुलाव बना है और एक एक दाना खिला हुआ बना है। अगर आप ऐसे बनाएंगे जैसे मैंने आपको पानी का रेशियो बताया है तो बहुत ही टेस्टी बनेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कोई जरूरी नहीं है कि आप चावल अलग से बॉइल्ड करें फिर उसको फ्राई करें, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि सारा फ्लेवर इसी में एब्जॉर्ब हो गया है, चावल का भी और जो हमने मेवा और ये सारी चीजें डाली थी इसमें मसाले, वो सारे एक ही साथ में फ्लेवर लेकर के इसमें काफी निखार आ जाता है फ्लेवर में। तो ये देखिए हमारे पुलाव भी रेडी है, और ये हमने रोटियां बनाई है गर्मा गर्म। आप सर्व कीजिए अपनी फैमिली में, सबको बताइए कि आपने कैसे ये रेसिपी रेडी की है। और इसके साथ में कुछ सलाद भी हम तैयार किए हैं जो कि इसके साथ में बहुत अच्छा लगता है। ये प्याज है, हरी मिर्च है, चाहे तो कोई भी आप अचार भी यूज कर सकते हैं। तो यदि आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है और आपको हमारा बनाने का तरीका अच्छा लगा है, पुलाव और छोला रोटी, तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको ये हमारी छोला थाली कैसी लगी और ये पुलाव बनाने का तरीका कैसा लगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, इंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ में छुट्टियों में। ये हमने बच्चों के हिसाब से बनाया है, तो आप देखिए बना करके आपको कैसा लगता है। थैंक यू सो मच।